हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद कवरिंग करंट अफेयर्स फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल है हमारा जीएसटी इंप्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के बारे में सो so बेसिकली अभी जब गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल का मीटिंग हुआ तो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर ने एलिगेशन लगाया कि हमारे पास इधर जीएसटी इंप्लीमेंटेशन कमेटी के पास एक्सेस में पावर्स हैं सो so, हम पढ़ते हैं इस कमेटी के बारे में सो बेसिकली इन द फोर्टीन जी एस टी काउंसिल मीटिंग जी एस टी काउंसिल आई एम श्योर वी नो वॉट इट इज़ तो इस काउंसिल का जब फोर्टीनथ मीटिंग था टू थाउजेंड एंड सेवेंटीन में तो उधर बिकॉज जी एन जी एस टी काउंसिल इतना रेगुलर मीटिंग नहीं होता है इधर स्टेट गवर्नमेंट मिलेगी उनके रिप्रेजेंटेटिव और सेंटर से फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे बट बिकॉज गुड्स एंड सर्विस टैक्स का रोल आउट बहुत मुश्किल काम था सो जस्ट टू मेक श्योर कि उसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी अच्छे तरीके से हो फोर्टीन जी एस टी काउंसिल में डिसाइड किया गया कि हम तीन बॉडीज़ बनाएंगे एक थ्री टीयर स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे जिसके ऊपर सबसे पहले होंगे ऑफिस ऑफ रेवन्यू सेक्रेट्री सेकेंड में रहेगा जी एस टी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी और लास्ट में रहेगा एट स्टैंडिंग कमेटीज स्टैंडिंग कमेटीज एज इन जो डे टू डे वर्क देखेंगी और जीआईसी भी यही काम करेगा जब भी काउंसिल का मीट नहीं हो रहा तो इन बिटवीन जो भी वर्क होगा वो जीएसटी एस कमेटी ओवरसी करेगा और सब चीज़ मैनेज करेगा ओवरऑल अबव दिस ये भी डिसाइड किया गया कि हम एटीन प्लस सेक्टोरल ग्रुप्स भी बनाएंगे अब नाम से ही क्लियर है सेक्टोरल ग्रुप्स एज इन सेक्टर वाइज ग्रुप्स मे बी एक सेक्टर लॉ के लिए फिर ट्रेड एंड सर्विसज के लिए टूरिज़म के लिए एक और ग्रुप हो गया कॉमर्स के लिए एक और ग्रुप ऐसे सब इन्फॉर्मेशन डिसामिनेशन के लिए ग्रुप तो ओवरऑल ओवरऑल एनालिसिस हमारा इधर यही है कि अगर कभी मेंस में भी लिखना हो कभी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का इंप्लीमेंटेशन का एनालिसिस करो तो हम ये बताएंगे कि जीएसटी काउंसिल इज़ वन बॉडी बट अपार्ट फ्रॉम दिस वन बॉडी वी डू हैव थ्री टीयर स्ट्रक्चर जो कि फोर्टीथ जीएसटी काउंसिल के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश किया गया था मतलब ये काउंसिल मीट में डिसाइड किया गया ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है नो no, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ जीएसटी काउंसिल के बारे में लिखा है जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एज़ पर आर्टिकल 279 टू हंड्रेड एंड सेवेंटी नाइन और इसके चेयरपर्सन रहते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और दूसरा चीज़ अगर अच्छा अच्छा अगर हम लिखना हो तो सब कुछ है बट अगर हमें थोड़ा सा क्रिटिसिज्म करना होगा तो हम लिखेंगे कि जी एस टी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के कारण अभी फिर से स्टेट्स का पावर इंक्रोच हो रहा है और इधर फिर से ब्यूरोक्रेसी ओवर पावर कर रही है सो वी नीड टू लुक इन टू दिस एज़ वेल सो आई एम श्योर एवरी थिंग इज़ वेल अंडरस्टूड इट्स जी एस टी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी फोर्टीनथ जी एस टी काउंसिल टू थाउजेंड एंड सेवनटीन जो कि ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं जो डिसीजन लेते हैं है, one, of है, इन बिटवीन दीज काउंसिल मीटिंग्स थ्री टीयर स्ट्रक्चर है नंबर वन ऑफिस ऑफ रेवेन्यू सेक्रेटरी सेकेंड इज जी सी दैट इज़ जी एस टी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी फिर एट स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं इनमें से एक वाले को हमने डिस्कस किया डिटेल में आज प्लस एटीन सेक्टोरियल ग्रुप्स भी हैं फिर जी एस टी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 279 सेवेंटी एंड फाइनली इसके चेयर विमेन अभी हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो कि हैं निर्मला सीतारमन सो विद दिस वी आर डन सो लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल इधर हमें सिर्फ आज एक रेंट सीकिंग टर्म के बारे में जानना है एक बहुत बड़ा हिंदू में आर्टिकल था उधर मेरे को ये चीज़ इंपॉर्टेंट लगा पूछ सकते हैं रेंट सीकिंग क्या है तो इकोनॉमिक्स में हम इसको बोलेंगे करप्शन मतलब करप्शन इज़ समथिंग दैट वी ऑल नो व्हाट इट इज़ तो बस बेसिक इकनॉमिक्स में हम रेंट सीकिंग बोल सकते हैं मतलब आप कुछ भी जो आपको नहीं सच लीगली लेना चाहिए कोई भी मॉनेटरी जिधर मनी इन्वॉल्व है या नॉन मॉनेटरी गेंस भी इन काइंड आप बात कर सकते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी आप ऐसा बेनिफिट या गेन ले रहे हो गवर्नमेंट से जो आप डिजर्व नहीं करते और उसके बदले आप या, या तो आप ना तो सोसाइटी को कुछ दे रहे हो और ना ही जिनसे आपने गेन लिया उनको मतलब इतना सबका हमारा इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर आप जी एस थ्री का आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उधर बार बार करप्शन लिखने के बजाय अगर आप रेंट सीकिंग लिखेंगे तो वो अच्छा लगेगा बिकॉज इकोनॉमी में हम रेंट सीकिंग का वर्ड यूज़ करते हैं और दूसरा प्रेम से पूछा जा सकता है जैसे आप स्टेटमेंट्स बना के दे दें कि अगर लॉबिंग है वाइंग फॉर सम सब्सिडीज़ और वाइंग फॉर टैक्स कंसेशन तो ये सब हमारा किस चीज़ का एग्जाम्पल्स हैं तो ये सब रेंट सीकिंग का एग्जाम्पल आएगा बिकॉज बेसिकली इधर जिनके पास भी पावर पावर है इन्फ्लुएंस है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को ट्विक करके खुद का बेनिफिट गेन करने का ट्राई करते हैं सो दिस इज़ इट सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल अगेन ये भी एक्सट्रैक्ट किया है बड़े आर्टिकल से इंपॉर्टेंट चीज़ प्रिलिम्स के लिए नंबर वन वैक्सीनेशन अपार्थीड क्या है तो इधर डब्ल्यू टी यू के जो करंट डायरेक्टर जनरल है उन्होंने ये बोला है कि अपार एज इन जैसे हम साउथ अफ्रीका के कॉन्टेक्स में जानते हैं छुआ छात तो अभी ऐसा ना हो कि वैक्सीनेशन में भी गैप रहे बिटवीन एडवांस्ड इकोनॉमीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज और मे बी बिटवीन रिच एंड पुअर तो हमें वैक्सीनेशन अपार को नहीं लाना है तो बस किधर आंसर राइटिंग में ऐसा यूज़ कर सकते हैं जो न्यूज़पेपर का टर्म्स रहता है वो आंसर में दिखें तो वैल्यू एडिशन हो जाता है उसके बाद है इधर एक कोवैक्स अभी ये कोवैक्स क्या है ये एक प्रोग्राम है बेसिकली यही चीज़ के लिए कि वैक्सीनेशन अपार्थीड ना हो तो जैसे नाम से ही क्लियर है इधर हम ट्राई करेंगे कि सभी को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन हो अब सभी एज इन डेवलप्ड एंड रिच इकोनॉमीज का तो ऑलरेडी वो खुद ही ध्यान रख रहे हैं बट हमें अभी इधर डेवलपिंग एंड पुअर इकोनॉमी का ध्यान रखना तो इधर क्या है किसने ये अलायंस लेड किया है बाई गावी विच इज़ द बॉडी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बाय से पी से पी इज कॉलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशन नाम याद रखने का जरूरत नहीं है बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ कवरिंग वी हैव कवर्ड एंड देन पार्टनरशिप विद यूनिसेफ और फिर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर ऑब्वियसली वैक्सीन मैन्युफैक्चरर ने ही तो बना के देनी है वैक्सीन तो so उनका पार्टिसिपेशन इज मस्ट फिर वर्ल्ड बैंक बिकॉज पैसे का भी जरूरत है एंड अमंग अदर्स एंड ईदर वे सब बॉडीज पैसे भी देंगी हर तरह का टेक्निकल नॉन टेक्निकल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एड देंगी और फिर मेक श्योर sure करेंगी कि सभी को वैक्सीनेशन इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो और वैक्सीनेशन अपार्थी मत नहीं क्रिएट हो सो विद दिस वी आर डन लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट वन अभी फिर से एक आर्टिकल पे मेंशन आया था रोम डेक्लरेशन का तो बेसिकली अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज रोम डेक्लरेशन तो ये है हमारे हेल्थ से रिलेटेड अभी मई uh, 2021 में इटली ने होस्ट किया इस ग्लोबल हेल्थ समिट को और इसका को होस्ट था यूरोपियन यूनियन बेसिकली इसमें जो जी ट्वेंटी कंट्रीज़ के मेंबर्स थे लीडर्स थे उन्होंने यही कमिटमेंट की कि हम बहुत सारे एक्शंस लेंगे हेल्थ के सेक्टर में ताकि मल्टी आए सभी को वैक्सीन का अवेलेबिलिटी हो और सब अच्छा अच्छा चीज़ जो भी आप सोच सकते हो तो अभी ये ऐसा जी ट्वेंटी का सबमिट नहीं था बिकॉज इटली जो है वो अभी प्रेसिडेंट है जी ट्वेंटी का तो जो भी प्रेसिडेंशियलशिप जिसके पास होती है तो वही उसके पास ही सेक्रेटरीट रहता है बिकॉज जी ट्वेंटी का कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है दिस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट जी ट्वेंटी डज नॉट हैव ए परमानेंट please प्लीज़ मार्क दिस थिंग डाउन जिसके पास भी प्रेसिडेंटशिप रहेगी उसी को सेक्रेटरीट होस्ट करना पड़ेगा और फिर ऑल द ईयर राउंड वो कुछ ना कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल अभी ग्लोल हेल्थ समिट हुआ तो उधर भी जी ट्वेंटी के मेम्बर्स नेशन गए और ये सब किया एज सच जी ट्वेंटी का जो समिट रहेगा एनुअल का वो मई में नहीं बल्कि अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन के अराउंड है वो सेपरेट रहेगा राइट सो रोम डेक्लरेशन ग्लोबल हेल्थ समिट होस्टेड बाई इटली इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन को होस्टेड बाई ई यू एंड जी ट्वेंटी कंट्रीज कमिटेड टू सीरीज ऑफ एक्शन सो लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल विच इज़ दिस सो अगेन ये भी एक न्यूज़ आर्टिकल से ही एक्सट्रैक्ट किया है पॉइंट्स दिस इज बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग मल्टीलेटरल कन्वेंशन टू इम्प्लीमेंट टैक्स ट्रीटी रिलेटेड मेजर्स सो बेसिकली नाम से ही सब चीज़ क्लियर है इट्स द बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग सपोज आपका बेस टैक्स बेस जो है दस रुपये का था बट कंपनी ने दस में से नौ रुपए किधर और कंट्री में शिफ्ट कर लिया तो अभी बेस कितना बचा सिर्फ एक तो प्रॉफिट भी शिफ्ट हो गया ना तो बेस आपका इरोड हो गया सो दिस इज़ अ कन्वेंशन बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग मल्टी लेट्रल कन्वेन्शन टू इम्प्लीमेंट ट्रैक्स ट्रीटी रिलेटेड मेजर्स इंडिया ने टू थाउजेंड नाइनटीन में इसको रेटिफाई कर लिया था बेसिकली स्पीयर हैड किसने किया था इसको ओ ई सी डी नेशनस का ये कॉन्सेप्ट था बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग का बाद में फिर जी ट्वेंटी नेशन भी आए और सबने मिलकर यह कन्वेन्शन ज्वाइन किया इम्प्लीमेंट किया तो इसके अकॉर्डिंग मतलब सब समझ में आ रहा है अभी कि हमको टैक्स इवेजन को सब चीज़ को नज करना है बिकॉज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं यूजुअली लार्जली उनका टैक्स बेस इरोड रहता है बिकॉज़ कुछ ऐसे नेशंस हैं जिनमें टैक्स का बहुत कम इम्प्लीमेंटेशन है फॉर इंस्टेंस सिंगापुर मॉरिशस केमेन आइलैंड का बात करें तो टैक्स इधर रेट बहुत कम है या ज़ीरो परसेंट है तो कंपनी सारा प्रॉफिट उधर शिफ्ट कर लेती है तो इसलिए हमको ये नहीं चाहिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फॉर एवरी नेशन हु हैज़ हैविंग अ वेरी हाई प्रेजेंस ऑफ मल्टी नेशनल कंपनीज दूसरा चीज़ है टैक्स बैक टैक्स बैक इससे रिलेटेड स्लाइटली रिलेटेड है बट अभी के लिए नहीं अभी क्या है एक नया कॉन्सेप्ट यूएसए लाने का ट्राई कर रहा है कि ऑल ओवर इफ़ नॉट ऑल ओवर देन एटलीस्ट जी ट्वेंटी नेशंस में तो एक मिनिमम टैक्स हो कॉरपोरेशंस के लिए मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स सो दैट कंपनीज आर नॉट इंसेंटिवाइज टू शिफ्ट देअर प्रॉफिट्स तो अगर सपोज इंडिया में टैक्स रेट अभी अराउंड ट्वेंटी थ्री परसेंट है तो गवर्नमेंट ने ये अच्छा किया ट्वेंट थर्टी से ट्वेंटी फाइव या ट्वेंटी फाइव से हम थर्टी ले ट्वेंटी थ्री लेके आए तो ऐसा ही कुछ यू, यू नेशंस में फिफ्टीन परसेंट तक है टैक्स रेट तो कुछ नेशंस में ट्वेल्व है कुछ नेशंस में फ़ाइव है तो फिर कंपनीज़ के पास बहुत ज़्यादा इंसेंटिव रहता है कि वो अपना प्रॉफिट शिफ्ट करें फ्रॉम ट्वेंटी थ्री परसेंट कंट्री टू मे बी फाइव परसेंट कंट्री तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यही ट्राई कर रहा है कि एटलीस्ट जी ट्वेंटी नेशन में कॉमन कॉमन कॉरपोरेट टैक्स आए 15 परसेंट से 20 परसेंट के अराउंड इंडिया विलिंग है बिकॉज इधर वे हमारा टैक्स स्ट्रक्चर 23 परसेंट है तो 3 परसेंट ही गिवअप करना पड़ेगा तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर टैक्स बैक का ऑप्शन आएगा टैक्स बैक एज इन ऐसे तो मतलब वैसे भी क्लियर है सपोज एग्जांपल एग्जाम्पल के साथ समझें तो एक नेशन है उधर फाइव परसेंट टैक्स है और वैसे हमारा जो मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स है वो होना चाहिए फिफ्टीन परसेंट अगर इंडिया इस चीज़ को ज्वाइन करता है तभी इंडिया क्या करेगा उस कंपनी का जिसने बेशक इंडिया से सब कमर्शियल ऑस्पेक्ट में वो एक्टिव है बट प्रॉफिट का जब बात आया टैक्सेशन का बात आया तो जस्ट फाइव परसेंट टैक्स दिया इंडिया के बाहर जाके उस कंपनी में उस कंट्री में जिधर उन्होंने अपना पूरा हेड ऑफिस एंड ऑल दिखाया है तब इंडिया टैक्स बैक का ऑप्शन एक्सरसाइज कर पाएगा इट मींस इंडिया 15 से 5 माइनस करके बाकी जो बचा वो उनको टैक्स इधर इम्पोज कर सकता है सो आई एम श्योर दिस इज़ क्लियर एंड आई रियली डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट वंस अगेन फिर भी अगर नहीं समझ आया तो बताइएगा कल फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी बट आई बिलीव इट्स रियली रियली सिंपल सो दिस इज़ द ऑल अबाउट टैक्स बैक बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग भी हमने देख लिया एक बार यू ने पूछा था गार दैट इज जी ए ए आर जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स ये किस चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में है ये हैं हमारे लॉ के कॉन्टेक्स्ट में टैक्सेशन के कॉन्टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में तो इसका आंसर सिंपल था टैक्सेशन के कॉन्टेक्स्ट में तो अभी इधर ये भी पूछ सकते हैं कि बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग ये किसके कॉन्टेक्स्ट में है तो आप बता सकती हो कि ओवरसीज या मल्टीनेशनल कंपनीज के टैक्सेशन के कॉन्टेक्स्ट में अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज का एक रिपोर्ट रिलीज किया है टैक्स जस्टिस नेटवर्क ने जिसका नाम है द स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस रिपोर्ट 2020 प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं एक बार पूछा था रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किसने किया तो वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी तो अभी ये क्या है स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस रिपोर्ट बाय विच ऑर्गेनाइजेशन बाय टैक्स जस्टिस नेटवर्क और फाइनेंशियल सिक्रेसी इंडेक्स भी यही वाली नेटवर्क रिलीज़ करता है तो प्लीज़ मग कर लीजिए इस चीज़ को अभी मेंस के लिए हम ये लिख सकते हैं कि इसके इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ने ऑलमोस्ट हंड्रेड एंड ऑलमोस्ट टेन बिलियन डॉलर्स लूज़ किया है लूज़ किया है एज इन बिकॉज यही सब चीज़ के लिए जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो बाहर चला जाता है बाहर आउट हो जाता है तो हमारा सब लॉस है बिकॉज ऑफ ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं है कि जेनुअन है नो जस्ट टू इवेड टैक्सेस, ऑल राइट सो टेन बिलियन डॉलर का लॉस है उसके बाद आर बी आई ने भी अपना एक रिपोर्ट निकाला है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डेटा टू थाउजेंड एंड टू 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 थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन ऑलमोस्ट टेन ईयर्स टेन टू नाइन ईयर्स तो इसमें भी यही अमाउंट कैलकुलेट किया गया है टेन बिलियन जो इंडिया का लॉस हुआ है इन डॉलर टर्म्स डेफिनेटली और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कम्यूलेटिव तौर पे सबसे ज़्यादा हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवरसीज़ में कौन सी कंट्री के पास गया है नंबर वन पे है सिंगापुर फिर मॉरीशस फिर यूएसए फिर नीदरलैंड्स फिर यूके आर दीज थिंग्स इंपॉर्टेंट एब्सोल्युटली यस पूछ सकते हैं सबसे ज़्यादा कम्यूलेटिवली हमने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किधर किया है तो सिंगापुर इज नंबर वन सेकेंड इज़ मॉरिशस थर्ड इज़ यू एस ए fourth is netherland fifth is uk and that is it so let's move on to the next news article now which is here basically government of india ne decide kiya hai ki abhi jo hamara mahatma gandhi national rural employment guarantee scheme ke antargat benefit diya jata hai to udhar abhi se budgeting के terms में एस सी एंड एस टी को हम सेपरेटली दिखाएंगे तो एज सच कुछ फ़र्क नहीं आएगा मतलब It's just a budgeting exercise. एज सच ऑल जो एम जी नरेगा वर्कर्स हैं उनके सेम राइट्स हैं बी इट एस सी हाउस होल्ड और पर्सन और एस टी पर्सन और जनरल कैटेगरी पर्सन और विमेन और ए मैन तो ये सब सेम राइट्स हैं अब थोड़ा सा अगर हम एनालिसिस का बात करें तो जब भी हम एम जी नरेगा का बात करेंगे तो पहला चीज़ क्या है इधर इक्वल वेज है सेम जेंडर को सेम जेंडर एज इन डिफरेंट जेंडर्स को भी बी इट और मैन और वीमेन दोनों को वेज बराबर है सो दैट्स रियली गुड थिंग जब भी हम एक्ट का बात करते हैं तो उसके काफ़ी सारे सोशल भी रहते तो एज सच इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हमारा डी में है पर इधर इधर भी सेम है उसके बाद चाहे आप एस सी से हो आपका अगर आप रूरल हाउस से हो आप एडल्ट हो आप विलिंग हो कोई भी अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने के लिए तो आपको काम दिया जाएगा हंड्रेड डेज ऑफ गारंटेड वर्क बट दिस मच इज नॉट सफिशियंट बिकॉज इस वाले स्कीम से क्वेश्चन आया था जिसके चार स्टेटमेंट्स थी बाकी सब स्टेटमेंट्स आने के बावजूद चौथी स्टेटमेंट की वजह से पूरा क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था तो अभी इस वाले स्कीम को हम कल कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे सारे प्रोविजन्स डाल के आज ईदर बहुत ज़्यादा न्यूज़ थी तो मैंने इसको नहीं किया बट कल हम डेफिनेटली कवर करेंगे इस पूरे स्कीम को और एक चीज़ पॉइंट और जो इसी न्यूज़ से है वो वो ये कि अगर हम बजटिंग का देखें हमारे पेपर थ्री में बजटिंग इज़ ऑलसो ए टॉपिक तो हम ये चीज़ को किधर ना किधर अपने में डाल सकते हैं कि किसी स्कीम का बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम बजट को भी सेपरेट कर सकते हैं हम मेक श्योर sure कर पाएंगे कि जनरल कैटेगरी के साथ साथ एस और एस को भी उनका बेनिफिट जरूर मिले ऐसा ना हो कि डिसनेट बेनिफिट किसी एक को जा रहा हो सो दैट इज इट फिर दूसरा आर्टिकल था बस ये डोंगरी खोंड ट्राइब्स किधर हैं उड़ीसा में है ये पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं बेसिकली इनको भी अनफॉर्चुनेटली कोविड हुआ है तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा ट्राई कर रही है कि ये वैक्सीनेशन ले एंड आइसोलेशन में जाएं जो कि ये कंप्लाई कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेशन के ऑर्डर के साथ सो अगेन साइड डेवियेशन बट इवन दो दे आर रियली प्रमेटिव वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप बट स्टिल दे आर कंपलाइंग विद द ऑर्डर सो वी गॉट टू लर्न अ लॉट फ्राम दैम वे आर इन इवन अमंगस्ट द एडवास्ड रीजन्स ऑफ आर कंट्री द रूरल एरिया पीपल आर नॉट सो विलिंग टू गो फॉर वैक्सीनेशन बट यही ये ट्राइबल होके भी जा रहे हैं सो इट्स रियली रियली गुड थिंग सो इधर वे वी आर डन विद दिस ऑल्सो लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट नाउ विच इज़ रियली रियली बोरिंग न्यूज एंड वी जस्ट हैव टू कवर इट सो बेसिकली अभी क्या है इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का जनरल असेंबली के हेड का सिलेक्शन होगा तो हम किसको सपोर्ट करेंगे मालदीव्स के फ़ॉरेन मिनिस्टर को अब्दुल्ला शहीद तो इधर क्या है मतलब इशू क्या आ रहा कि अफगानिस्तान का भी अपना एक कैंडिडेट है तो अफ़गानिस्तान ये चाहता था कि इंडिया उन्हें सपोर्ट करे अफगान कैंडिडेट को बट बिकॉज इंडिया ने 2020 में ही अपना सपोर्ट मतलब पब्लिकली बोल दिया था पब्लिकली कि हम इनको करेंगे तो अभी बैक ट्रैक नहीं किया जा सकता सो दिस इज़ स्लाइट कॉन्ट्र और इशू एंड इधर वे ऑन ए डिफरेंट नोट अभी जो यूनाइटेड नेशंस में नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिला है इंडिया को वो एज सच टर्न अफगानिस्तान का था बट अफगानिस्तान ने एज अ फ्रेंडशिप जेस्टर उनके बजाय हमें लेने दी वो सीट बट अगैन वो सब सही है बट बिकॉज इंडिया ने पब्लिकली यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी um, काउंसिल का जो नॉन परमानेंट सीट है वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग वो इधर का डेविएशन था बेसिकली यूनाइटेड नेशंस का सिर्फ सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज़ वन ऑफ देम। तो अभी हम यूएन यूएन जनरल असेंबली का बात करेंगे जिसका इलेक्शन अभी ड्यू है और अफग़ानिस्तान हम चाहता था कि इंडिया उसका साइड ले बट हमने नहीं लिया बिकॉज ऑलरेडी हमने अपना कैंडिडेट जिसको हम सपोर्ट करेंगे वो अनाउंस कर दिया था पब्लिकली तो बैक ट्रैक नहीं किया जा सकता ऑल राइट सो अभी क्या डिटेल्स इंपॉर्टेंट हैं नंबर वन जनरल असेंबली है क्या एज हैव ऑलरेडी सेट यूनाइटेड नेशंस काउं यूनाइटेड नेशंस का सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनमें से जनरल असम्बली इज़ वन ऑफ देम एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन बिकॉज इधर सारे 193 मेंबर्स आके मिलते हैं पॉलिसी मेकिंग के लिए बातचीत करते हैं डिस्कशंस करते हैं और इंपॉर्टेंट डिसीजनस लेते हैं इट इज़ द रिप्रजेंटेटिव बॉडी ऑफ ऑल द नेशंस ऑलमोस्ट यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन है इसमें ऑलमोस्ट यूनिवर्सल हैं बट बिकॉज कुछ नेशंस नहीं भी हैं इसके पास बट अगेन लेट्स नॉट डिविएट तो कितने मेंबर्स हैं इसमें हंड्रेड एंड नाइन्टी थ्री और अभी दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें रहता है एक प्रेसिडेंट और ट्वेंटी वन वाइस प्रेसिडेंट जिनको जनरल असम्बली इलेक्ट करती है हर एक सेशन के लिए मतलब सिर्फ एक साल के लिए डैट इज़ इट जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के दैट्स अ डिफरेंट थिंग वो पाँच साल के लिए इलेक्ट होते हैं बट अभी अगर हम जनरल असेंबली को जो चेयर करेगा प्रिसाइड करेगा उनका बात करें तो वो सिर्फ एक सेशन के लिए इलेक्ट होंगे दैट इज़ फॉर एवरी वन ईयर दैट इज़ इट ट्वेंटी वन वाइस प्रेसिडेंट्स एंड वन प्रेसिडेंट और ज्योग्राफिकली इनके बीच में प्रेसिडेंसी रोटेट करती है फॉर इंस्टेंस फाइव ज्योग्राफिक ग्रुप्स हैं दिज आर अफ्रीकन एशिया पैसेफिक ईस्टर्न यूरोपियन लेटिन अमेरिकन कैरिबियन एंड वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स तो इंडिया जो है वो एशिया पैसेफिक में आएगा दिस इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट वेरी ऑफ कोर्स उसके बाद ये बॉडी करेगी क्या वेरी वेरी सिंपल जो तो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजनस होंगे जैसा कि न्यू मेम्बर को एडमिट करना है कि सर किधर पीस एंड सिक्योरिटी ऑपरेशन का देखना है बजटरी फाइनेंशियल मैटर्स को देखना है तो टू थर्ड मेजॉरिटी रहेगा बट अगर बाक़ी कोई सिंपल है तो नॉर्मल से चीज़ें या तो सिंपल मेजॉरिटी रहेगा मतलब या तो टू थर्ड मेजॉरिटी या सिंपल मेजॉरिटी उसके बाद चीज़ इंपॉर्टेंट यही है कि इनके पास कोई वीटो पावर्स नहीं है यानी कि बाइंडिंग वोट जबकि हम जानते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में जो पांच परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर है तो कोई भी डिसीजन जो पांच परमानेंट मेंबर्स को फेवर में नहीं है तो वो नहीं पास किया जा सकता पाँच में से एक ने भी मना कर दिया तो पूरा चीज़ हॉल्ट कर जाएगा बट इधर नहीं है इधर आप टू थर्ड कंसेंस बिल्ड कर पा रहे हो या सिंपल मेजोरिटी बिल्ड कर पा रहे हो डिपेंडिंग अपॉन द मैटर अंडर कंसिड्रेशन तो आपका चीज़ पास हो जाएगा किसी भी पार्टी के पास कोई वीटो पावर नहीं है उसके बाद इसको काम क्या दिया गया है ऊपर वाले काम भी हैं बट इनके अलावा ये यूनाइटेड नेशंस के बजट को इम्प्रूव करेगा देखेगा कि कौन से मेंबर को कितना कंट्रीब्यूट करना है उनका फाइनेंशियल असेसमेंट बिकॉज हम जानते हैं हर एक यूनाइटेड नेशंस के मेंबर को कुछ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देनी पड़ती है तो वो एग्जैक्टली exactly क्या होगी वो यही डिसाइड करेगी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली उसके बाद नॉन परमानेंट मेम्बर्स का जो सिक्योरिटी काउंसिल में है उनको इलेक्ट करना और रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल अपॉइंट द सेक्रेटरी जनरल जो हमारा नॉन परमानेंट मेंबर्स का इलेक्शन होता है उसको इलेक्ट होने से पहले सिक्योरिटी काउंसिल से रिकमेंडेशन ज़रूर है मतलब अगर आप नॉन परमानेंट बनना चाहते हो मेंबर, तो आपको पास यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का तो कंसेंस मतलब परमिशन चाहिए बट अदर देन दैट सिक्योरिटी काउंसिल का भी रिकमेंडेशन चाहिए तो अगर एक नेशन है जिसको चाहता है यू एस ए की नहीं मेम्बर बन सकता तो वो नहीं बन पाएगा बिकॉज इधर यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का बात आ गया सो so, दोनों से आपको परमिशन लेना चाहिए लेना पड़ेगा नॉट जस्ट चाहिए उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली करेगा तो नॉन परमानेंट मेम्बर के सिलेक्शन में भी में ही बस आप कैवियट का ध्यान रखिएगा इसमें सिक्योरिटी काउंसिल का रिकमेंडेशन भी मस्ट रहता है उसके बाद और जो भी बॉडीज़ हैं उनके ऊपर रिकमेंडेशन का अपॉइंटमेंट्स का सब चीज़ों का ध्यान करेगा यही वाली जनरल असम्बली डिस्कस एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बस वो वाले इशूज के जिधर सिक्योरिटी काउंसिल ऑलरेडी डेलिब्रेट कर रहा है मतलब सिक्योरिटी काउंसिल इज अ वेरी वेरी वे पावरफुल बॉडी अगर वो कुछ डेलीब्रेट कर रहा है तो फिर यू एन जी इंटरफेयर नहीं करेगा अदरवाइज ये सब देखेगा अगेन स्लाइटली बोरिंग एंड लेंथी ही ऑल्सो बट देन इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं था वी जस्ट नीड टू मब दीज थिंग लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल नाउ विच इज़ बेसिकली ह्योर सो so, अभी एक वालोंग में ये सरप्राइज़ विजिटर मिला दिस इज़ अ बर्ड अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल बर्ड तो वालोंग क्या है वालोंग बेसिकली एक टाउन है टाउन कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इसको ईस्टर्न मोस्ट टाउन ऑफ इंडिया बोला जाता है मतलब आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो ईस्टर्न मोस्ट टाउन की भी टू भी आएगा बट सब ये सभी एक ही डिस्ट्रिक्ट में है तो कीबी टू भी ठीक है हमारा ईस्टर्न मोस्ट टाउन है बट वालोंग भी है और इस बर्ड का नाम क्या था कॉकलस फेजेंट ऑल राइट इज दिस इम्पॉर्टेंट एब्सोल्यूटली येस उसके बाद अभी आसाम में मैंड्रीन डक मिला था थोड़े टाइम पहले जो किधर मिला था आसाम के वेटलैंड में उस वेटलैंड का नाम था मागोरी मोटापुंग वेटलैंड बट वही मैंड्रीन डक बाद में हमें अरुणाचल प्रदेश में भी मिला तो इतना क्लोज क्लोज वेसिटी में एरियाज़ है तो डक को नहीं पता होगा ये आसाम है या अरुणाचल है वो घूमते घूमते चला गया सो so, अगैन दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट एंड टू वॉड्स एंड विल गेट टू नो हाउ सो मैंड्रीन डक असाम का मागोरी मोटाबुंग वेट लैंड फिर उसके बाद हमें मिला ये सीखे लेख में जो कि अरुणाचल प्रदेश में है फिर एक पास भी है अरुणाचल में मादिया पास दैट इज़ इट इसके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद रखने का ज़रूरत नहीं है दिस वुड्स एफ फाइज उसके बाद जिन्होंने इस वाले बर्ड का फोटो लिया वो और उनके फ्रेंड्स ने और भी इसी वाले अरुणाचल प्रदेश एरिया और इस पास के अराउंड बर्ड्स को और भी फोटो लिया और देखा वो क्या है बर्ड्स वाइट हुडेड बैबलर पेल बिल्ड पैरो बिल्ड कोरल बिल्ड एंड रेड बिल्ड सिमिटर सो व्हाइट हुडेड बैबलर पेल बिल्ड पैरो बिल्ड कोरल बिल्ड एंड रेड बिल्ड सीमीटर सो ऑल दीज आर बर्ड्स एग्जाम्पल ऑफ बर्ड्स सो वी आर डन विद दिस आल्सो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन सो बेसिकली अभी 2021 में 100 साल हुए हैं एक हेट क्राइम के जो हुआ था 1921 में आप फोटो में देख सकते हैं कैसे बिल्डिंग्स को आग लगाया गया है सो ये किस कंट्री का है हेट क्राइम ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 1921 में इधर टुलसा रेस मैसेकर हुआ था सो so, नाम से ही क्लियर है टुलसा इज ए प्लेस एंड रेस मींस रेस तो ये किधर हुआ था टुलसा में जो कि है ओकल सिटी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इधर ब्लैक वॉल स्ट्रीट में नाम से ही क्लियर है वॉल स्ट्रीट मतलब जो काफ़ी अच्छा खासा है मतलब फाइनेंशियली गुड और ब्लैक मतलब बिकॉज उधर ब्लैक रिजाइड करेंगे बिकॉज अभी जब स्लेवरी ख़त्म हुआ तो यही एक ऐसा टाउन था एरिया था जगह थी जिधर रिलेटिवली अच्छे वेल टू डू फाइनेंशियली डूइंग वेल अफ्रीकन अमेरिकन ने आके अपना रेजिडेंशियल एरिया जमाया था तो बिकॉज वही सब रिलेटिव डेप्रीवेशन एंड ऑल का इशू होगा तो उन्होंने इधर फिर मैसेकार हुआ सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट तुलसा रेस मैसेकार 1921 ट्वेंटी वन यू सिटी ब्लैक वॉल स्ट्रीट ब्लैक वॉल स्ट्रीट इसको ऐसे ही नाम दिया गया है बिकॉज इट वॉज मेजरली ऑक्युपाइड बाई ब्लैक पीपल और वॉल स्ट्रीट बिकॉज वॉल स्ट्रीट हम एसोसिएट करते हैं जो रिच एरिया हो टुलसा रेस रॉयट कमीशन सेट हुआ था 1997 में और उसने रिपोर्ट दिया था 2001 में तो आप देखिए ऑलमोस्ट 50 प्लस इयर्स के बाद एक कमीशन सेट हुआ तो दिस दिस कैन बी साइटेड एज एन एग्जांपल कभी हम बात करें कि इतना पुराना मैसाकार या रॉयट्स का अभी फिर से फाइल उठाने का क्या ज़रूरत है सो दिस कैन बी साइटेड एन एग्जांपल कि ऐसा टाइम का कुछ नहीं है जब भी हमारा इंस्टीट्यूशनल वाइज और हमारा सोसाइटी रेडी है अमेंड्स करने के लिए चीज़ों को तो आप कभी भी कमीशन को बना सकते हो ड्यूरेशन डज नॉट मैटर कि यह कितने टाइम पुराना इवेंट था सो इधर वे वी आर डन विद दिस ऑल्सो लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट वन So, अभी क्या है एक केव मिला है बेसिकली जो हॉस्पिटल स्टाफ था वो पीपल यूजुअली ये ट्राई कर रहे थे कि हम गार्बेज कहाँ डंप करें तो सब देखते देखते उन्होंने एक चीज़ से मतलब पत्ते वगैरह सब हटाए और देखा एक केव निकला तो so, केव के बारे में हम जानते हैं सो केव्स कुड़ बी ऑल सो ये चीज़ नहीं पहले इधर आते हैं सो so, तो पूरा न्यूज़ क्या था इन नाशिक्स बुद्धिस्ट केव कॉम्प्लेक्स अ चांस न्यू फाइंड तो ऑलरेडी महाराष्ट्र के नासिक एरिया में बुद्धिस्ट केव का कॉम्प्लेक्स है मतलब एक एरिया है और उधर बहुत सारा बुद्धिस्ट का केव्स है तो अभी उधर से एक और कुछ और केव्स मिली हैं तो बेसिकली ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ये रॉक कट आर्किटेक्चर का है बिकॉज आप टाइम पीरियड का बात करें तो ऑलमोस्ट फर्स्ट सेंचुरी बी सी ई से लेकर थर्ड सेंचुरी सी ई का बात है तो इतना सब पुराना जब टाइम था तो स्ट्रक्चरल टेम्पल का गठ मतलब बनाना स्टार्ट नहीं हुआ था स्ट्रक्चरल एज इन ब्रिक एंड मोटर के साथ टेम्पल बनाना नहीं तभी तो बस एक बड़ा सा रॉक रहता था तो उसको बस काट के एक केव बना लेते थे तो बस रॉक कट आर्किटेक्चर हो गया मतलब टेम्पल्स बोल दिया मैंने स्ट्रक्चर का आप स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर भी बोल सकते थे बट बिकॉज उस टाइम ये सब टेम्पल्स का ही प्रोमिनेंस था तो इसलिए टेम्पल बट इधर वे रॉक कट आर्किटेक्चर है ग्रुप ऑफ ट्वेंटी प्लस केव्स हैं ये हम नासिक बुद्धिस्ट केव कॉम्प्लेक्स का बात कर रहे हैं पूरा अभी तो फिलहाल एक दो केव्स का ही नया मिले हैं और ये जो कॉम्प्लेक्स हैं, इसमें मोस्टली विहारास थे वहारस मतलब रेस्टिंग प्लेस ऑफ बुद्धस्ट मॉन्ग्स रेजिडेंशल एरियाज एंड कुछ थे चैत्याज बिकॉज मोस्ट को मैंने इधर हाईलाइट किया है इट मीनस ज़्यादातर विहाराज ही थे इधर रेस्टिंग प्लेस डवेलिंग प्लेस या रेजिडेंशल एरियाज़ जो मंक्स यूज़ करते थे रेस्ट करने के लिए यूजली रेनी सीजन में बट कुछ चैत्याज भी हैं चैतियाज यानी कि वर्शिप प्लेस तो मतलब दिस इज़ क्वाइट कॉमन सेंस ऑल्सो बिकॉज तब हमारा सोसाइटी में रिलीजन का बहुत डामिनेशन था तो जिधर आप रह के रुक रहे हो रेनिंग सीजन में तो आप कुछ पूजा पाठ के लिए भी बनाओगे राइट right? सो so, अगर कुछ ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विरााराज ही मिलते थे तो जस्ट बी लिटिल कॉशियस वाइल अटैम्प्टिंग दो सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन अदरवाइज यहाँ पे तो फिलहाल इसका मतलब अभी प्रेजेंट न्यूज़ का बात करें तो इधर मोस्टली विहारास थे बट कुछ चैत्यास भी थे अभी ये वाले नासिक बुद्धिस्ट केव कॉम्प्लेक्स को हम और पांडवा लेनी भी बोलते हैं और त्रिवशमी भी बोलते हैं लेनी बेसिकली मराठी में होता है केव्स तो ये पांडवा केव्स हो गए या त्रिवशमी केव हो गए त्रिवशमी इज अ नेम ऑफ प्लेस जैसे नासिक प्लेस है ना तो नासिक के एग्जैक्ट अंदर त्रिवशमी भी प्लेस है तो उस वाले प्लेस पे ये सब बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है और ये पांडव का कुछ लेना देना नहीं है जो महाभारत का पांडव थे नो दिस इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट सो इट्स पांडवा लेनी और त्रिवश्मी लेनी नासिक बुद्धस्ट केव कॉम्प्लेक्स रॉक कट आर्किटेक्चर मोस्टली विहारस फ्यू चैत्याज बिल्ड अराउंड फर्स्ट सेंचुरी बी सी ई टू थर्ड सेंचुरी सी ई ट्वेंटी प्लस केव्स आर काव्ड सो विद दिस वी आर डन वि दिस ऑल्सो अभी एक और न्यूज़ है एंड दिस टू इज इम्पोर्टेंट बट स्लाइटली लेंथी लेट्स इट नाउ गवर्नमेंट ने अभी नोटिफिकेशन निकाला है कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स रिटायर हो गए हैं उनको अगर, अगर अपना पेंशन का बेनीफिट लेना है तो ये चीज़ नहीं करनी क्या चीज़ नहीं करनी कुछ भी बुक एट्सट्रा पब्लिश नहीं करना आफ्टर रिटायरमेंट कौन से वाले गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो शेड्यूल सेकेंड ऑफ आर टी आई एक्ट में आते हैं और वह कौन है ऑलमोस्ट ट्वेंटी सिक्स ऑर्गेनाइजेशन इनमें आई बी है रॉ है सी बी आई है बी एस एफ है आई टी बी पी है सो ऑलमोस्ट ट्वेंटी सिक्स हैं तो ये किधर हैं सेकेंड शेड्यूल ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में और ये कुछ भी पब्लिकेशन नहीं करेंगे ऐसा क्यों बोला गया बिकॉज गवर्नमेंट ने ये देखा कि कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को जिन्होंने हैंडल किया था वो उन्होंने कुछ ऐसा बुक्स लिखे जिन पे काफ़ी माइन्यूट डिटेल्स भी डेल्व आउट हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी बिकॉज इट कॉम्प्रोमाइज लॉट ऑफ थिंग्स सो इसीलिए ये सब है तो अभी अभी मतलब इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन ने पूरा सब हिस्ट्री निकाली है तो ये तो हो गया प्रेजेंट का नोटिफिकेशन बट अगर पास्ट की बात करें तो प्रेजेंटली जो सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी क्या कुछ ऐसा इशू है नंबर वन ये वाले नोटिफिकेशन को आने से पहले भी रिटायर्ड एम्प्लॉज़ के ऊपर गवर्नमेंट सर्विस सर्वेंट्स के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन था वो ये कि अगर वो रिटायरमेंट के बाद पेंशन ले रहे हैं बट उनका कन्विक्शन हो गया है किसी सीरियस क्राइम में या ग्रेव मिसकंडक्ट में ग्रेव मिसकंडक्ट अगेन वही कि जो उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन अपना सर्विंग ड्यूटी के टाइम पर एक्वायर करी वो किसी को पास कर दी डेलिब्रेटली की या अनजाने में की दैट्स अ सेपरेट थिंग बट ग्रेव मिसकंडक्ट इज दस या सीरियस क्राइम पर उनको कन्विक्शन हुआ है तो उनका फिर पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन का कुछ विल बी सम वे आउट समथिंग टू डू विद दैट पेंशन तो मतलब क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज अभी भी कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं बट न्यू नोटिफिकेशन कैटेगोरिकली शेड्यूल सेकेंड ऑफ आर टी आई एक्ट वाले ऑर्गेनाइजेशन के लिए है ऑल राइट सो लेट्स गेट ऑन टू द थर्ड थिंग नाउ जो सर्विंग इंप्लॉयज हैं उनके लिए क्या इशूज हैं सर्विंग इंप्लॉयज जो हैं वो भी किसी को अब बैट नहीं कर सकते कि स्ट्राइक करें मतलब वो खुद तो स्ट्राइक नहीं करेंगे दैट्स वन थिंग बट आप किसी को इंसिनुएट भी नहीं करोगे कि तुम लोग स्ट्राइक करो या उनको कोरिजन कौरी, में नहीं डालोगे इधर करेक्शन नहीं है कोरिजन है सो आई विल एडिट द पी डी एफ डो नॉट वरी मतलब आप किसी को डराओगे धमकाओगे भी नहीं कुछ करने के लिए उसके बाद आप किसी भी ऐसा पब्लिकेशन में इधर न्यूज़पेपर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या पीरियडिकल पब्लिकेशंस में आप नहीं पार्टिसिपेट करोगे ऑफ कोर्स बिना गवर्नमेंट के परमिशन के बट अगर आपके पास गवर्नमेंट का परमिशन है तो आप कर सकते हो दैट्स ईजे वे क्वाइट ऑब्वियस अगर गवर्नमेंट ही अलाउ करे कि हाँ तुम लोग करो पब्लिश तो फिर तो डेफिनेटली येस yes है बट ऑल्सो वो कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं मेक करेंगे जिधर एडवर्स क्रिटिसिज्म रहे तो हमने कभी नहीं देखा है कि कुछ आई ऑफिसर्स या ये सब कुछ ऐसा लिख रहे हैं या टी वी बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का ये पॉलिसी अच्छा नहीं है ऐसा नहीं है इनफैक्ट अभी लास्ट ईयर एक आई ऑफिसर ने कुछ लिखा था न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस में बट बिकॉज एज पर दीज रूल्स उन्होंने एडवर्स क्रिटिसिज्म किया था गवर्नमेंट का तो उनको फिर नोटिस इशू हुआ था तो दिस वॉज इन न्यूज़ बैक देन ऑल्सो उसके बाद इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है कोई भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो रिटायरमेंट के एक साल बाद तक वो कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा सकता सो वन ईयर कूलिंग पीरियड इज़ देअर कूलिंग ऑफ पीरियड उसके बाद इन लोगों को पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना पड़ेगा मतलब पॉलिटिशियंस पॉलिटिकल पार्टी इन सब के साथ खुद को प्रोएक्टिवली नहीं एसोसिएट करवाना न्यूट्रलिटी हैज़ टू बी देअर बट इधर एक कैवियट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभी आर RS, एस को भी इस पॉलिटिकल वाले एंगल में इंक्लूड कर लेती है ओल दो आर एस एस इज नॉट ए पोलिटिकल पार्टी सो हम इधर ये समझें कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट पोलिटिकल पार्टीज नो इट्स द अ दैट मैटर्स द सब्सटेंशियल ऑस्पेक्ट ऑफ पोलिटिकल न्यूट्रैलिटी नेम से के लिए नहीं कि आप पॉलिटिशियंस या पोलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएटेड नहीं हो बट इन सब्सटेंशियल ऑस्पेक्ट ऑल्सो आपको ये सब चीज़ में नहीं इन्वॉल्व होना बिकॉज आर एस एस एज सच इज नॉट अ पोलिटिकल पार्टी बट स्टिल सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पे को भी इंक्लूड करती है जब भी हमें ये मेक श्योर sure करना हो कि पब्लिक सर्वेंट्स पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी शो करें उसके बाद लास्ट है कि जो भी पब्लिक सर्वेंट है आफ्टर रिटायरमेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं इधर कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है सो वी आर डन विद दिस ऑल्सो अभी एक और है इधर अभी न्यूज़पेपर में ये एक्सटेंसिवली रिपोर्ट की गई चीज़ कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है ट्वेल्थ का बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा सो दैट्स अ वेलकम स्टेप बट थोड़ा सा एनालिसिस एनालिसिस हम ऐसे कर सकते हैं कि गव, मतलब एडिटोरियल में ये बात बोली गई कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू लुक बियॉन्ड मार्क्स अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारा स्कूलिंग रहता है वो हमारा क्वालिटी क्या होगा इस चीज़ का इट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन द किड ओनली और स्टूडेंट्स ओनली नो इट इज़ वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन द सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ़ द स्टूडेंट्स हम कौन से स्कूल में जाएंगे इट डिपेंड्स अपॉन आर फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ बच्चे सब इंटेलिजेंट हो सकते हैं बट बिकॉज ऑफ दीज एक्सटर्नल फैक्टर्स द एंड रिजल्ट कैन बी डिफरेंट सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम मार्क्स के बियॉन्ड जाएं और जब भी हमको एंट्रेंस एग्जाम जो अभी हो रहे हैं डेंटल कोर्सेज के लिए या मेडिकल एग्ज़ाम हो रहे हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशंस के लिए एंड फॉर दैट मैटर इवन रिक्रूटमेंट एग्जाम्स का भी अगर हम बात करें यू का तो इधर आपको सिर्फ ऑलमोस्ट फिफ्टी मार्क्स चाहिए तो इसका मतलब ये है कि ऐसा करने पे हम लोग मेक श्योर sure कर पाते हैं कि इंक्लूसिव अप्रोच हो इंक्लूजन हो सभी का बिकॉज स्टूडेंट्स आर फ्रॉम डाइवर्स सोशल इकोनॉमिक एंड रीजनल बैकग्राउंड अभी वो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मत लिख देना सोशल इकोनॉमिक एंड रीजनल बैकग्राउंड लिखना सो जस्ट अ स्लाइट डिविएशन बट आई बिलीव दिट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज यूपीएससी में आप फिफ्टी नंबर हैं दैट इज़ इट यू नीड टू बी ग्रेजुएट विद मिनिमम परसेंटेज एंड दैट रियली इज इट डज नॉट मैटर यू ग्रेजुएट From a fancy college or from a local college, as long as right now you are willing to study and give your best, that is what matters. So, because in India. As I've already stated, what kind of education we are getting? It is not dependent upon just the merit of the student, but on the very fact that how much financially capable they are. So these things are something that are external to the student. So society, is not. padega. So let's just not deviate any further. So I think I've made my point clear. So it's a really good thing that we need to use this opportunity to look beyond marks because either way, twelfth board exams have been cancelled now. कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग नाउ लिमिट्स ऑफ लाइफ वन फिफ्टी ईयर्स अगेन ये भी एक जर्नल पब्लिश हुआ तो इंडियन एक्सप्रेस में ने इसको कवर किया जिधर ये इंफॉर्मेशन सामने आई कि ह्यूमन बींग अगर बहुत तरीके के साथ रहे हेल्थी खाना एक्सरसाइज एवरी थिंग तो ऐट मैक्स हम वन फिफ्टी ईयर्स तक जी सकते हैं बट इज़ दैट रियली नीडेड ये क्वेश्चन है जो हम सोच सकते हैं कि बिकॉज so, अभी जब एटीन सेंचुरी या फिफ्टीन सेंचुरी या as late as even 19th सेंचुरी में भी अराउंड हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो 40 इयर्स था 30 इयर्स, 40, 50 और अभी हम 80 में पहुंचे हैं 70 एंड एटीज़ के अराउंड बट विद टाइम हम 150 में भी पहुंच सकते हैं बट वो एडिटोरियल हमसे पूछ रहा है कि इज़ दैट रियली नीडेड मे बी इट्स नॉट रियली नीडेड वॉट वॉट इज एक्चुअली नीडेड इज जस्ट लिव इन द प्रेजेंट और इन्जॉय योर लाइफ एंड दैट इज़ इट सो डू रीड दिस एडिटोरियल इफ यू वॉन्ट अदरवाइज एज सच नथिंग इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम बट जस्ट फाउंड इट लिटिल लिटिल इन ट्रीगिंग दैट हम अक्सर बस बोलते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाओ बढ़ाओ बे बी एट टाइम्स इट इट्स मोर अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड नॉट मेयरली द नंबर्स बट इधर वे लेट्स नॉट डिट नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट फॉर आर एग्जाम ऑफ कोर्स इक्वलाइजेशन ले कब लगा था टू थाउजेंड सिक्सटीन में अभी ये नाम से ही इंपॉर्टेंट है हम लेवाई यानी कि टैक्स लगा रहे हैं इक्वल करने के लिए चीज़ों को क्या चीज़ इक्वल करने के लिए जो कुछ भी अगर हम इधर कमर्शियल चीज़ कर रहे हैं तो हम उस पर प्रॉफ़िट कमाते हैं और फिर हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को बट अगर ऐसा हो कि हम सब प्रॉफिट भी ले रहे हैं बट टैक्स नहीं दे रहे तो ये फिर अनइक्वल चीज़ हो गया ना तो अभी इसी को इक्वल करना है तो टू थाउजेंड सिक्सटीन में गवर्नमेंट ने क्या किया था कि अगर कोई भी नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स हैं फॉर इंस्टेंस वी हैव गूगल एंड लॉट ऑफ अदर सर्च इंजनस जो एडवर्टीज़मेंट लेते हैं फॉर इंस्टेंस फेसबुक पे भी आप ऐड का पैसे देते हो अगर आपको अपना बिज़नेस प्रमोट करना है तो आप उनको ऐड दोगे और वो आपसे पैसे लेंगे वो आपका ऐड डिस्प्ले करेंगे तो उनको काफ़ी सारा रेवेन्यू हो रहा इंडियन रेसिडेंट से बट उन, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं था तो बस ये इक्वलाइजेशन लेवाई आया जो भी नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो टैक्स देंगी इट्स अ डायरेक्ट टैक्स डेफिनेटली एंड इट्स अ बिज़नेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब दो लोग बिजनेस कर रहे हैं ऐड देने वाले का भी बिज़नेस है और फेसबुक भी एक बिजनेस एंटिटी है इट्स अ बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन और फिर 2016 के बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे इसका हॉराइजन को एक्सपैंड किया गया तो अभी क्या है नॉट जस्ट फ्रॉम फ्राम एडवर्टीज़मेंट मतलब शुरू में ये एडवर्टीजमेंट पर आया था पहले मैंने गलत चीज़ हाईलाइट कर दी फर्स्टली ये एडवर्टीज़मेंट के रेवेन्यू पर आया था अभी फिर ग्रेजुअली नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स भी अगर कोई प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उधर भी इक्वलाइजेशन लेवाई लगेगा इतना डिटेल्स में जाने का ज़रूरत नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकते हैं इक्वलाइजेशन लेवाई न्यूज़ में था किस चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में डिजिटल टैक्सेशन के कॉन्टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में तो आपको पता होना चाहिए ये एक डिजिटल ई कॉमर्स टैक्सेशन के कॉन्टेक्स्ट में दैट इज़ इट अभी है वेरिएबल कैपिटल कंपनी नेम से ही क्लियर है कंपनी है उसका कैपिटल है जो वेरिएबल है वेरिएबल एज एन आप कैपिटल को कभी भी इशू कर सकते हो कभी भी रिडीम कर सकते हो मतलब रिडीम एज इन वापस लेना फॉर इंस्टेंस आपने जब शेयर इशू किए तो वो इशुएंस हो गया उसका रिडेम्पशन होगा आप शेयर वापस ले लोगे और शेयर होल्डर्स को पैसे दे दोगे और इट्स इट्स लाइक एनी बडी हु यू द कैपिटल कैपिटल नीड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ओनली इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म ऑफ अदर थिंग एज वेल बट लेट्स नॉट डिविएट क्योंकि ये हमारा इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है इम्पॉर्टेंट बस यही है कि जब भी हम बात करेंगे और फाइनेंस को अरेंज करने की तो आप वेरिएबल कैपिटल कंपनी का भी डाल सकते हो एज एन एग्जाम्पल अभी के पी कृष्णन एक्सपो एक्सपर्ट कमेटी इट्स इट्स ई ही केपी कृष्णन एक्सपर्ट कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया गवर्नमेंट को कि हम वेरिएबल कैपिटल कंपनी का देख सकते हैं फाइनेंस फाइनेंस इशू करने के लिए उनका स्पेसिफिकली गुजरात का जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उधर के कॉन्टेक्स्ट में था बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ये सब इतना चीज़ ना कि मतलब अगर हम किसी वेबसाइट या किधर जाए तो वो सब डिटेल में बताते हैं कि ये इधर ये वाली एजेंसी बट नो no. एज सच वी नीड टू अंडरस्टैंड द असेंस द क्रक्स इट्स द सेम एज सेम की अगर बॉन्ड है तो बॉन्ड किसी एक कंपनी के लिए इशू नहीं होगा ना बॉन्ड इज एन इंस्ट्रूमेंट अ डेट इंस्ट्रूमेंट जिधर आप जिसका यूज़ करके आप कैपिटल रेज करोगे तो आप उसको चाहे किसी कंपनी ए के लिए यूज़ करो किसी कंपनी बी के लिए यूज़ करो बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है सिमिलरली वेरिएबल कैपिटल कंपनी का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है इसको आप यूज़ तो किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हो राइट right? और अब वैसे भी ये अभी शुरुआत के स्टेज में ही है अभी तो एक्सपर्ट कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया है नंबर वन नंबर लास्ट और टू लास्ट थिंग ही अभी बस खत्म होने लगा ऑलमोस्ट एक मॉडल टेनेंसी एक्ट आ रहा है अब वो मॉडल स्टेज में ही है इसलिए अब इसके प्रोविजंस को नहीं देखेंगे बट एज सच हमको ये जानना है दैट लैंड इज ए स्टेट सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट फॉर पिलिम्स सो दैट इज इट उसके बाद अभी इंडिया ने अर्जेंटीना के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट साइन किया है ताकि हमें लिथियम का सोर्स लिथियम हम इंपोर्ट कर पाएं तो लिथियम ट्रायंगल समझ लेते हैं लिथियम ट्रायंगल तीन नेशंस का जंक्शन पे है चिली बोलीविया एंड अर्जेंटीना ऑल राइट सो तो पूछ सकते हैं लिथियम ट्रायंगल कम्प्राइजेस चिली बोलीविया एंड अर्जेंटीना प्लीज़ मेमोराइज दिस उसके बाद है लार्जेस्ट रिजर्व लिथियम के हैं चिली के पास बट एज सच जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है ऑस्ट्रेलिया बट इन दोनों का प्लेस इंटरचेंज होता रहता है 2019 में डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया था तो अभी आप एग्जाम से एक महीने पहले चेक कर लेना कि फिलहाल 2021 में कौन है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रिजर्व तो डेफिनेटली चिली के पास है लिथियम को हम वाइट गोल्ड भी बोलते हैं दैट इज़ इट ऑल सो अभी बस लास्ट न्यूज़ जो हमारा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक है वो तो कौन रिलीज़ किया आई एल ओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इट अभी बस ये वाली लास्ट है स्वास्तिक टेक्नोलॉजी स्वास्तिक मीन्स वॉट सेफ वॉटर एंड सस्टेनेबल इनिशिएटिव फ्रॉम इंडियन नॉलेज बेस तो ये टेक्नोलॉजी किसके लिए है वाटर को डिसइनफेक्ट करने के लिए ये एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है मॉडर्न भी चीज़ों का इस्तेमाल होगा और ट्रेडिशनल मैथड का भी इस्तेमाल होगा इज दिस इम्पॉर्टेंट आई थिंक नो बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कवरिंग वी हैव कवर्ड ताकि फिर कोई लिखे नहीं कि ये रह गया और वो रह गया सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स लास्टली सो दिस इज़ रियली लास्ट सेवनटीन प्लस वन सेवनटीन प्लस वन क्या है ये कल वाली न्यूज़ रह गई थी हमारी अभी आज कवर कर रहे हैं सो बेसिकली लिथुनिया ने अनाउंस किया है नॉट जस्ट अनाउंस द कंट्री हैज़ ऑलरेडी ऑप्टेड आउट ऑफ द दिस इनिशिएटिव सेवनटीन प्लस वन तो बेसिकली एक चाइना लेड फॉर्मेट है जो 2012 में फॉर्म किया गया था बुधापेस्ट में बुधापेस्ट है हंगरी का कैपिटल इधर जो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप के कंट्रीज हैं वो प्लस चाइना बीजिंग यानी चाइना वो कोलैबोरेट करेंगे इन्वेस्टमेंट्स के लिए ट्रेड के लिए डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए बेसिकली आप चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इनिशिएटिव का भी एक एक्सटेंशन मा, मान सकते हो इसको इसमें कौन से मेंबर्स हैं 12 ई यू मेम्बर्स हैं बिकॉज हम ईयू में स्पेशली स्पेसिफिकली सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप का बात कर रहे हैं तो उधर सिर्फ 12 नेशंस ही हैं वो कौन से हैं बारह नेशंस वो हैं प्लस फाइव बल्कन स्टेट्स हैं तो बल्कन पेनसुला है उधर के फाइव स्टेट्स हैं तो टोटल तो ट्वेल्व प्लस फाइव वी हैव सेवनटीन सेवनटीन प्लस वन इज़ चाइना और अभी लिथुआनिया लीव कर दिया तो जब सिक्सटीन बचे तो कंट्रीज़ कौन से हैं अल्बेनिया बोस्निया एंड हरजोगोवीना बुल्गेरिया क्रोशिया चेक रिपब्लिक इस्टोनिया ग्रीस हंगरी लाथविया लिथनिया मैसिडोनिया मॉन्टनेगरो पोलैंड रोमानिया सर्बिया स्लोवेकिया एंड स्लोवेनिया लिथुनिया ऑप्ट आउट कर लिया है सो दिस इज वाई दिस न्यूज़ इज इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन अगर आए ऑल ई यू मेंबर्स आर पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव दैन आंसर वुड बी नो बिकॉज ओनली इलेवन ई यू मेंबर्स आर दियर नाउ आफ्टर लिथियोनिया ऑप्टिंग इट्सल्फ आउट सो वी आर डन विद न्यूज पर से बट अभी जस्ट टू सोल्व वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो प्रिलिम्स 2020 में पूछा गया था सो लेट्स डू इट नाउ विद रेफरेंस टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी सिलॉन फ्रॉग माउथ कॉपर स्मिथ बारबेट ग्रे चिंड मिनी वेट एंड वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट आर वॉट बर्ड्स प्राइमे रेप्टाइल्स एम फीबियंस वेरी वेरी सिंपल आंसर वॉज बर्ड्स बिकॉज ये जो वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट है ना ये काफ़ी न्यूज़ में रहती है तो अगर आपको बाकी सब नहीं भी पता था अगर वाइट थ्रोटेड भी पता ना तभी भी आंसर निकल सकता तो अभी जब हमने वो वालोंग में हमें एक बर्ड मिला उसके साथ ही टू एंड तीन चार बर्ड्स का हमने रट्टा लगाया था नाम को सो दैट इज वाई दीज नेम्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सो वी आर डन विद दिस एक कल के लिए आर्टिकल बचाया है एक इथेनॉल वाला एंड एक मनरेगा एज ए स्कीम कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज वो हम कल करेंगे फॉर टुडे वी आर डन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड